मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू LBS। टुडे लेक्चर नंबर थर्ड, चैप्टर नंबर 5, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, स्टैंडर्ड 7। टॉपिक इज न्यूट्रलाइजेशंस इन एवरीडे लाइफ। ओके, फर्स्ट इनडाइजेशन। अवर स्टमक कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। स्टमक में क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। इट हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट फूड। वो क्या करता है? फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। बट टू मच ऑफ एसिड इन द स्टमक कॉसेस इनडाइजेशन। अगर स्टमक में ज़्यादा एसिड कोस होता है, उत्पन्न होता है, तो इनडाइजेशन हो जाता है। ओके, समटाइम्स इनडाइजेशन इज पेनफुल। समटाइम्स क्या होता है? इनडाइजेशन क्या होता है? पेनफुल होता है। ओके, हमें स्टमक के पास क्या होता है? पेन होता है। ओके, तो कब होता है? जब ज़्यादा एसिड रिलीज होता है तब। टू रिलीव इनडाइजेशन वी टेक एन एंटासिड सच एज मिल्क ऑफ मैग्नेशिया विच कंटेंस मैग्नेशियम हाइड्रोक्साइड। जब एसिड बहुत ज़्यादा हो जाता है, हमें पेन होता है, तो हम उसे न्यूट्रलाइज करते हैं, और उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एंटासिड कंटेन या सब्सटेंस लेते हैं। एंटासिड क्या होता है? तो बेसिक सब्सटेंस, जो बेसिक सब्सटेंस होता है उसे हम एंटासिड कहते हैं। तो जो मार्केट में हमें डॉक्टर टैबलेट लिख के देता है, या हम जो इनो लेते हैं, ओके, एसिडिटी के लिए, तो उसके अंदर क्या होता है? एंटासिड सब्सटेंस होता है, बेसिक सब्सटेंस होता है। तो क्या करता है? वो एसिड, जो एसिड रिलीज हुआ है, ओके, तो उसे क्या करता है? उसे न्यूट्रलाइज करता है। ओके, और सम टाइम आफ्टर पेन होना बंद हो जाता है। तो एंटासिड सच एज मिल्क ऑफ मैग्नेशिया विच कंटेंस मैग्नेशियम हाइड्रोक्साइड। जो मिल्क ऑफ मैग्नेशिया होता है उसके अंदर कौन सा कंटेंट होता है? मैग्नेशियम हाइड्रोक्साइड। और हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि मैग्नेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस है। ओके, तो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें एंटा एसिड लेना पड़ता है। इट इज न्यूट्रलाइजेस द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड। वो क्या करता है? जो एक्सेसिव एसिड है, ज़्यादा एसिड है, उसको क्या करता है? न्यूट्रलाइज करता है। ओके, सेकेंड एंट बाइट। ओके, चींटी जब हमें काटती है, ओके, व्हेन एन एंट बाइट्स इट इंजेक्ट्स द एसिडिक लिक्विड फॉर्मिक एसिड इन टू द स्किन। तो जो चींटी हमें काटती है, तो चींटी में क्या होता है? एक एसिड होता है। वो कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड। वो एसिड कहाँ जाता है? हमारे स्किन में जाता है। ओके, और वो स्किन में जाता है तो क्या होता है? हमें बर्न होने लगता है, स्किन बर्न होने लगती है। जहाँ पे चींटी काटती है वहाँ पे स्किन बर्न होती है कि नहीं? यस। तो क्यों? तो फॉर्मिक एसिड एंटर होने के कारण। द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा और कैलेमाइन सॉल्यूशन। तो हम क्या करते हैं कि भाई हमें बर्न हो रहा है, तो हम उसे एसिड जो है उसे न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। तो उसके लिए एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन सा सब्सटेंस लेते हैं हम? बेसिक सब्सटेंस। तो रबिंग हम क्या करते हैं? बेकिंग सोडा। ओके, बेकिंग सोडा किचन में होता है, उसे क्या करते हैं? रब करते हैं। ओके, उससे रब करते हैं। एक्लेमाइज सॉल्यूशन को क्या करते हैं? उसके ऊपर रब करते हैं, तो क्या होता है? सम टाइम आफ्टर उसे एसिड को क्या करता है? न्यूट्रलाइज कर देता है। ओके, और बनोना बंद हो जाता है। ओके, थर्ड इज सॉइल ट्रीटमेंट। ओके, एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स मेक्स द सॉइल एसिडिक। बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर का हम यूज़ करते हैं, तो वो सॉइल को कैसा बना देता है? एसिडिक बना देता है। आप देख रहे हो अभी तो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं फर्टिलाइजर्स के। ओके, तो वो सॉइल को कैसा बनाता है? एसिडिक बनाता है। प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सॉइल इज आइदर टू एसिडिक और टू बेसिक। तो जब जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक, टू एसिडिक या बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाती है, तो प्लांट जो होते हैं वो अच्छे से ग्रो नहीं होते हैं। ओके, व्हेन द सॉइल इज टू एसिडिक, जब जो सॉइल है बहुत ज़्यादा एसिडिक बनती है, इट इज ट्रीटेड विद बेसिस लाइक क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड और स्लेग लाइम
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब जो सॉइल है बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाती है तो हमें उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए बेसिक सब्सटेंस उसके अंदर डालना पड़ता है। ओके, तो ट्रीट करने के लिए तो क्या डालते हैं हम उसमें, तो हम उसमें डालते हैं क्विक लाइम। ओके, उसमें क्या होता है कैल्शियम ऑक्साइड, और स्लेक्ट लाइम उसमें क्या होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या है बेसिक सब्सटेंस है, वो क्या करता है सॉइल को न्यूट्रलाइज करता है। इफ़ द सॉइल इज बेसिक ऑर्गेनिक मैटर इज एडेड टू इट, जब सॉइल बहुत ज़्यादा बेसिक होती है तो हम उसमें क्या ऐड करते हैं ऑर्गेनिक मैटर ऐड करते हैं। ऑर्गेनिक मैटर रिलीजेस एसिड्स विच न्यूट्रलाइजेस द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल। ऑर्गेनिक मैटर क्या करता है एसिड रिलीज करता है। ओके, और वो एसिड क्या करता है वो जो बहुत ज़्यादा बेस उसके अंदर हुआ है सॉइल में उसको क्या करता है न्यूट्रलाइज करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट फैक्ट्री वेट्स, द वेट्स ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड्स। ओके, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ जो होती हैं उनके अंदर जो वेस्ट निकलता है ओके लिक्विड वेस्ट उसमें क्या होता है एसिड होता है। इफ दे आर अलाउड टू फ्लो इन टू द वाटर बॉडीज, अगर हम उन्हें अलाउ करते हैं वाटर बॉडीज के अंदर, यानी समझ लो हमने उसको रिवर के अंदर जाने दिया ओके लेक के अंदर जाने दिया उस लिक्विड को फैक्ट्री के, तो द एसिड्स विल उसके अंदर जो एसिड होता है द एसिड्स विल किल फिश एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। तो उसके अंदर जो एसिड होता है वो क्या करता है जो रिवर में या लेक में जो फिश हैं या अदर ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें क्या कर देता है किल कर देता है मार देता है। द फैक्ट्री वेट्स आर देयर फॉर न्यूट्रलाइज बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंस, तो फैक्ट्री के जो वेस्ट होते हैं उसमें क्या होता है एसिड होता है तो उसे भी क्या करते हैं वो न्यूट्रलाइज करते हैं, और उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए उसमें क्या ऐड करते हैं बेसिक सब्सटेंस ऐड करते हैं। ओके, थैंक यू।